172,000 ये कोई भी रैंडम नंबर नहीं है, यह है एक भारतीय की पर कैपिटा इनकम, यानी कि ऑन एन एवरेज एक भारतीय साल में 172,000 रुपए कमाता है। और अगर हम और आप जैसे मिडिल क्लास इंसान इन 172,000 रुपए को एक बैंक में जमा करवा के रख देते हैं तो 30 साल बाद उसके ये 172,000 रुपए 417,000 रुपए हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 3% का इंटरेस्ट रेट रखा है क्योंकि ऑन एन एवरेज बैंक्स में सेविंग अकाउंट पर हमें इतना ही इंटरेस्ट मिलता है। अब आप बोलोगे भला कौन अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहने देता है, तो ये देखिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4 में से 3 मिडिल क्लास इंसान अपने पैसे सेविंग्स अकाउंट में ही पड़े रहने देते हैं और आलस के मारे एफडी तक नहीं करवाते। अब यहीं पर कोई स्मार्ट इन्वेस्टर होता जो अपने पैसों को स्मार्टली इंडेक्स फंड या इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो उसके ये 172,000 रुपए 30 साल में 15% के रेट ऑफ रिटर्न से 1,13,00,000 रुपए हो जाते हैं। और यही फर्क है हम मिडिल क्लास और एक स्मार्ट इन्वेस्टर में, जहां हम जैसे मिडिल क्लास लोग बैंक्स में सेविंग्स अकाउंट को ओन करते हैं और जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो बैंक्स को ही ओन करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बैंक्स में डिपॉजिट किया गया आपका पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट और कुछ नहीं सिर्फ एक मिथ है, एक इल्यूजन है जो धीरे धीरे आपको गरीब बनाता चला जा रहा है और आपको पता तक नहीं चलता। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेविंग्स अकाउंट्स के इल्यूजन की, जिसमें बैंक्स हम सबको फंसाए रखते हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे इस इल्यूजन से बाहर निकला जाए और कैसे हम बैंक्स को नहीं बल्कि खुद को अमीर बना पाए। द इल्यूजन ऑफ बैंक्स सेविंग्स। आपका सेविंग्स अकाउंट और कुछ नहीं बल्कि एक मिथ है जो आपको एक अच्छे रिटर्न्स और हायर सेफ्टी की गारंटी देता है और आप चुपचाप उनका कहां मान लेते हो। अब देखो यार, मोस्टली लोग अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक अच्छी जॉब की तलाश में निकल पड़ते हैं और जॉब मिलते ही जैसे ही पहली सैलरी आती है तो सारा पैसा लेकर राजा बाबू बनकर पहुंच जाते हैं बैंक, यानी मेहनत खुद की पर अमीर आप बैंक्स को बना रहे हो। कैसे, आओ जानते हैं। तो मान लो आप अपने कमाए हुए पैसों को बैंक्स को दिए और एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया जिस पर आपको एनुअली 2.5 से 3% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब बैंक्स क्या करता है कि आपके कमाए हुए पैसों को वो आगे बिजनेसमैन और बिल्डर्स को दे देता है और उस पर 12 से 15% तक का रिटर्न वसूल करता है। यानी आपको लग रहा होगा कि बैंक आपको अमीर बना रहा है, नहीं भैया, वो आपके पैसों से अपने आप को अमीर बना रहा है। और कभी कभार तो अकाउंट्स होल्डर की वाट तब लग जाती है जब बैंक्स किसी स्कीम में फंस जाता है। वैसे मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 2012 का विजय माल्या स्कैम अमाउंट 9,000 करोड़, 2018 का नीरव मोदी स्कैम अमाउंट 14,000 करोड़ और 2019 का पीएमसी बैंक घोटाला अमाउंट 10,000 करोड़। इन सभी केसेस में बैंक को तो नुकसान हुआ ही हुआ, पर साथ ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ उन लाखों कस्टमर्स का जिनका इनके बैंकों में खाता था। और सिर्फ यही एक रीजन नहीं है बल्कि इसके अलावा एक सबसे बड़ा रीजन और है जो घात लगाए बैठा है कि कब आप अपने बैंकों में पैसा डालो और वो आपके पैसों की वैल्यू को चट कर जाए। उसका नाम है इन्फ्लेशन। बैंक्स में आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, 2.5% 3% राइट? और इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन रेट है 7.5%। मतलब आज जो चीज 100 रुपए की है अगले साल वो चीज 107 रुपए की हो जाएगी, लेकिन बैंक में रखा आपका पैसा 100 से बढ़कर सिर्फ 102 या 103 रुपए ही हो पाएगा। आपको लग रहा होगा बस 7.5% ही तो है, नहीं भैया, 7.5% सिर्फ बेसिक इन्फ्लेशन है जिसमें गवर्नमेंट सिर्फ पेट्रोल, तेल, अनाज और फल सब्जी की महंगाई को ये इंक्लूड करती है। और जो चीजें इंक्लूड नहीं करती वो है मेडिकल इन्फ्लेशन, एजुकेशन इन्फ्लेशन, कपड़ों पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर इन्फ्लेशन जो अराउंड 12 से 15% रहता है। तो बेसिकली आप जो डेली चीजें खरीद रहे हो, डेली जिन जिन जगहों पर खर्चा कर रहे हो उनमें आपको ऑन एन एवरेज 12% तक का इन्फ्लेशन देखने को मिल ही जाएगा। और सेविंग अकाउंट पे कितना मिला, चुटकी भर जो चुटकी बजाते ही खत्म हो जाता है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि बैंक्स आपको जो सेफ्टी और ग्रोथ की गारंटी देते हैं वो किस हद तक सही है। अब देखो मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आज ही जाओ और अकाउंट खाली कर दो और अपने पैसों को लाकर घर में रख दो, वो तो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने पैसों को काम पर लगाओ, उसे अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करो, रिच बनने के लिए पैसों का रियल गेम को समझो। तो आओ जानते हैं कुछ बेटर इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स को जो हमें बैंक से बेहतर रिटर्न्स दे सकती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये पेपर दिखने वाला पैसा जिसके लिए पूरी दुनिया काम कर रही है वो फेक मनी है, रियल मनी है आपके एसेट्स और आपकी इन्वेस्टमेंट्स। तो आज हम 5 ऐसे एसेट्स जो बैंक से बेहतर इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एसेट नंबर 1, रीट्स, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब जब से हमने पर्सनल फाइनेंस या वेल्थ के कंसेप्ट के बारे में सुना है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बुक आती है, वो है रिच डैड पुअर डैड। देखो यार, मैंने तो अपनी फाइनेंशियल जर्नी इसी बुक से करी थी। आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपकी फर्स्ट पर्सनल फाइनेंस वाली बुक कौन सी थी। हाँ, तो बात यह है कि इस बुक में अमीर बनने के लिए एक तरीके पर अच्छा खासा जोर दिया गया है और वो है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, यानी प्रॉपर्टीज खरीदो और उन्हें काम पर लगाओ और पैसा कमाओ, दैट्स इट। पर नहीं, इंडिया में ये चीज
उतनी आसान नहीं है। अगर आपने लोन से प्रॉपर्टी एक्वायर करने की कोशिश करी तो आपको तो पता ही है। तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी इन्वेस्टमेंट टेक्निक जिसमें आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी किसी प्रॉपर्टी का एक पार्ट एक्वायर कर सकते हो। एंड दैट मेथड इज रीट्स, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसमें आप हर महीने 10,000 रुपए का एक ट्रस्ट में इन्वेस्ट करते हो और वो ट्रस्ट किसी म्यूचुअल फंड कंपनी की तरह आपके पैसों को अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है और आपको उन प्रॉपर्टीज के पार्ट ओनरशिप देता है, बिल्कुल किसी म्यूचुअल फंड यूनिट की तरह। रीट्स में इन्वेस्ट करके आप अलग अलग तरह के प्रॉपर्टीज में पैसा लगा सकते हो, लाइक रेजिडेंशियल हाउस, रिटेल लैंड्स में जहाँ सुपर मार्केट वगैरह होती है, हेल्थ केयर प्रॉपर्टीज में जहाँ हॉस्पिटल और क्लिनिक्स होते हैं, ऑफिस प्रॉपर्टीज में एक्सेट्रा। रीट्स में इन्वेस्टमेंट करने से फायदा ये भी है कि ये ट्रस्ट कभी भी सारा कलेक्टेड रेंट अपने पास नहीं रखता। 90% जो इनको रेंट मिलता है ये अपने इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो भी डिविडेंड की फॉर्म में। रीट्स में आप 8-8.5% तक का रिटर्न देख सकते हो। तो अगर रियल इस्टेट नहीं तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ही सही। तो ये भी एसेट आपके लिए अच्छा इनकम का सोर्स हो सकता है। एसेट नंबर 2, स्टॉक्स एंड इंडेक्स फंड्स। देखो, पैसा कमाने के टोटल 4 तरीके हैं। पहला, बी एन एम्प्लॉय यानी जॉब करो। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। तीसरा है बी ए बिजनेस ओनर यानी कि खुद का धंधा खोल लो। और चौथा है बिकम ए इन्वेस्टर यानी किसी दूसरे के धंधे में पैसा इन्वेस्ट कर दो। और पिछले कुछ सालों में इंडिया में 3rd और 4th टाइप के लोगों की तादाद बढ़ी है। एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि हम दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाए हैं और जल्द ही हम कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएंगे। अब ये इंडेक्स फंड क्या होते हैं, चलो जानते हैं। इंडेक्सेस यानी सेंसेक्स और निफ्टी, जिसमें इंडिया की टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड होती हैं। और ये वो कंपनीज है जिनका मार्केट वैल्यूएशन काफी हाई है और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। तो दर बदर भटकने से अच्छा है कि आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हो और मंथली SIP के थ्रू इसमें हर महीने इन्वेस्ट भी कर सकते हो। और पिछले कुछ सालों में इंडेक्स ने अपने इन्वेस्टर को 13-14% तक का रिटर्न दिया है। अब ये तो बात हो गई इंडेक्स फंड की। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लंबी रेस के घोड़े बनो, यानी इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के विजन रखकर। ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाओ जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, या फिर उस कंपनी के प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, उस कंपनी को आप समझते हो, और शुरुआत में 3-4 स्टॉक्स का बास्केट बनाओ और उसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करो। एसेट नंबर 3, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आज के डेट में अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूँ, पहला, या तो 2 मिलियन रुपए को ले लो जो कि होती है 20 लाख रुपए, या फिर आप 2 मिलियन फॉलोअर्स को लो, तो आप क्या लेना चाहोगे? वेल, आंख बंद करके 2 मिलियन फॉलोअर्स को ही मांगोगे, क्योंकि आज की डेट में जो ताकत फॉलोअर्स की है वो किसी और चीज की नहीं है। और ये जितने भी वीडियो, जितने भी पॉडकास्ट और बुक्स के ऑथर और क्रिएटर होते हैं, इनका कंटेंट या इनके प्रोडक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं। और जब आप कुछ ऐसा क्रिएट करते हो तो आप अपने लिए फॉलोअर्स इकट्ठा करते हो, जिनकी मदद से आपको ब्रांड्स और हायर अथॉरिटीज अप्रोच करती हैं। और एक बार जैसे ही आपका फैन बेस बना, आपके फॉलोअर्स बढ़े, आप उससे बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अश्नीर ग्रोवर को ही ले लो। शार्क टैंक से पहले शायद किसी ने उनका नाम सुना होगा, और जैसे ही वो टीवी पर आए उन्होंने अपना एक सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाया, फिर कॉन्ट्रोवर्सीज वगैरह भी हुई, बट एनीवेज सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने पॉडकास्ट किए, यूट्यूब वीडियोज में आए। और आपको पता है क्या कि वो क्या कर रहे थे? वो अपने लिए ऑडियंस बिल्ड कर रहे थे। और जैसे उन्होंने बुक लॉन्च करी, उनका फैन बेस और भी बड़ा होने लगा। अब आप सोचो, अश्नीर आखिर इतना बड़ा फैन बेस बना क्यों रहे थे? सोशल मीडिया की प्रेजेंस जितनी अश्नीर की हाई है, मेरे ख्याल से और किसी एंटरप्रेन्योर की ही होगी। तो बैंक से पैसा निकाल कर नेक्स्ट एसेट जिसमें आपको श्योरली इन्वेस्ट करना है, वो है बिल्ड एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये कुछ भी हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, या फिर कोई वेबसाइट हो सकती है। और जैसे जैसे आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपके फॉलोअर्स उतने बढ़ेंगे और आपका एक अच्छा बिजनेस बिल्ड होगा जो आपको 100% बैंक से तो काफी अच्छा रिटर्न दे ही देगा। अब आता है एसेट नंबर 4, गॉड्स करेंसी, गोल्ड एंड सिल्वर। अगला और सबसे बड़ा जो रियल मनी का एसेट है वो है गॉड्स करेंसी यानी गोल्ड और सिल्वर। और गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है, आओ बताता हूँ। जाते जाते रिया और किशोरी के पिताजी ने अपनी दोनों बेटियों को जमीन का एक हिस्सा बेचकर पैसा दिया और उनसे कहा कि बेटियों, इन पैसों को संभाल कर रखना और सही जगह इस्तेमाल करना। अब रिया ने तुरंत उन 10 लाख रुपए को बैंक में डाल दिया क्योंकि पिताजी ने कहा था कि संभाल कर रखना। वहीं किशोरी ने 10 लाख रुपए में से कुछ पैसा अपने पास रखा और बाकी के 8 लाख रुपए को उसने सोना यानी गोल्ड खरीदा। अब 2003 में जब किशोरी ने गोल्ड खरीदा था, तब उस समय 10 ग्राम गोल्ड 5,600 रुपए का आता था, यानी कि 8 लाख रुपए में उसे लगभग 1.4 किलोग्राम गोल्ड मिल गया।
फिर साल बीते, उसकी शादी हुई, किशोरी की एक बेटी भी हुई और उसने सोच लिया कि अपनी बेटी के 18वें जन्मदिन पर वो उसे सारा गोल्ड गिफ्ट करेगी जो उसने उस समय खरीदा था और उसकी वैल्यू 20 साल बाद यानी कि 2023 में जिसमें गोल्ड के 10 ग्राम का प्राइस 61,000 रुपए चल रहा है तो उसकी टोटल वैल्यू हो चुकी है 87 लाख रुपए। और वहीं रिया जिसने अपना पैसा बैंक में रखा था उसको 3% के हिसाब से रिटर्न मिला तो उसके हुए केवल 17 से 18 लाख रुपए। यानी आप देख सकते हो कि गोल्ड ऑन एन एवरेज हर साल 12 से 12.5% तक रिटर्न दे देता है और वहीं एक सेविंग्स अकाउंट सिर्फ 2.5 से 3%। तो बताओ 18 लाख बढ़िया है या फिर 87 लाख रुपए। और अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में गोल्ड लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की स्कीम SGB यानी सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो जो 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लाया गया है जिसमें आप फिजिकली नहीं बल्कि डिजिटल गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें आप मिनिमम 1 ग्राम से लेकर मैक्सिमम 4 किलोग्राम तक का गोल्ड आप खरीद सकते हो। अब नेक्स्ट एसेट आता है एसेट नंबर 5 हाई यील्ड गवर्नमेंट स्कीम्स। अब अगर आप सब कुछ नकार दो और कह दो कि नहीं सब बेकार है सब में रिस्क है हमें सेव गेम खेलनी है तो डोंट वरी उसका भी सॉल्यूशन है दैट इज एसेट नंबर 5 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड फंड्स। दरअसल गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि एक साथ इतना सारा पैसा एक अकाउंट में पड़ा रहे क्योंकि वो बाद में हाइपर इन्फ्लेशन का कारण बन सकता है और इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि बैंक्स के अलावा लोग अलग अलग जगह पर पैसा इन्वेस्ट करें। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम शुरू करी है जिसमें पैसा डालकर आप बैंक से तो ज्यादा ही रिटर्न अर्न कर लोगे और साथ ही इन्फ्लेशन की मार से भी बच पाओगे। अब देखो यार वैसे तो ये स्कीम्स भी बैंक जैसी हैं बट 3% से तो मच बेटर है और बहुत से लोग तो इन जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करने की सोचते भी नहीं है जबकि ये स्कीम्स आपकी रिटायरमेंट में आपके लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकती हैं। नंबर 1 आती है PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो आपको 7.5 से 8% तक का इंटरेस्ट ऑफर करती है और ये अकाउंट आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से खुलवा सकते हैं। इसमें आप मिनिमम 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो और प्लस में टैक्स बेनिफिट अलग से। सेकंड आते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है जिसमें मैक्सिमम 8 से 12% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। थर्ड आता है NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम जो एक रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है ताकि रिटायरमेंट के बाद आपको कंटिन्यूअस इनकम आए और तो इसमें इन्वेस्टमेंट करके 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट भी उठा सकते हैं प्लस में 7.5% के आसपास तक का इसमें रिटर्न रहता है। फोर्थ है SSY यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना जो गर्ल चाइल्ड के लिए लाई गई है जिसमें आप एक अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकते हैं और आपको 7.5 या 7.6% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा जो आपकी गर्ल चाइल्ड को 18 साल के होने पर मिलेगा। बट इन सभी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले आप इनका लॉक इन पीरियड जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये सारी लॉन्ग टर्म स्कीम है जिसमें आपका पैसा कुछ सालों तक के लिए लॉक हो जाएगा तो इन्वेस्ट करने से पहले वो जरूर चेक कर लीजिएगा। तो फाइनली इस वीडियो में हमने जाना कि बैंक हमारे पैसों से पैसा कमाकर खुद तो अमीर बन रहे हैं और हम बस वो डिजिटल नंबर देखकर खुश हो जाते हैं। इतना भी नहीं समझ पा रहे कि कई लोग अलग अलग तरह की इन्फ्लेशन ने हमें घेर रखा है जो बैंक में रखे हमारे पैसों को आए दिन डी वैल्यू करती जा रही है। तो ऐसे में बैंक्स के अलावा बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढो जैसे कि रीट्स, स्टॉक्स या इंडेक्स फंड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, भगवान की करेंसी में इन्वेस्ट करो जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। और एट लास्ट कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो सारा पैसा बैंक में मत रखो, एटलीस्ट FD करवा लो या फिर NPS और PPF जैसी स्कीम में ही इन्वेस्ट कर दो और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छी तरह से कर लो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।